हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। आज की में हम अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के डिसीजन रूल्स की बात करेंगे, जो कि बेसिकली यहाँ पे छह टाइप्स के रिप्रेजेंट किए गए हैं, जैसे कि वन पास क्लस्टरिंग, सीक्वेंशियल क्लस्टरिंग, स्टैटिस्टिकल क्लस्टरिंग, के मीन्स क्लस्टरिंग, आईसो डेटा क्लस्टरिंग और आरजीबी क्लस्टरिंग। पर इस लेक्चर में हम जो दो इम्पोर्टेंट डिसीजन रूल्स है, के मीन्स क्लस्टरिंग और आईसो डेटा क्लस्टरिंग, जिन मेथड्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन की बात करें, तो अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन क्या होती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नो प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड अबाउट द डेटा। आपको कोई सैटेलाइट इमेज मिली किसी जगह की और आपको उस जगह के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फीचर्स आइडेंटिफाई करने आपको नहीं आते हैं कि कौन सा कलर किस फीचर को रिप्रेजेंट करना है, उस केस में अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन करते हैं। और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन ट्राइज टू स्पेक्ट्रली सेपरेट द पिक्सल्स। ये स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो है पिक्सल्स को सेपरेट करता है। और इस मेथड में जो है यूजर के पास दो तरह के कंट्रोल होते हैं। पहला तो आप नंबर ऑफ क्लासेस जो है डिफाइन कर सकते हो और नंबर ऑफ इटरेशंस को डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे एक पिक्सल चेंज थ्रेशोल्ड की बात की गई है, और ये चेंज थ्रेशोल्ड इज यूज टू एंड द इटरेटिव प्रोसेस। इटरेशन क्या करता है, बेसिकली ये जब क्लस्टरिंग का प्रोसेस होता है और सारे जो कैंडिडेट पिक्सल्स होते हैं उनको एक तरह के क्लास में असाइन की जाती है वैल्यूज को, तो उसी को बार बार रीक्लासीफाई कर किया जाता है वैल्यूज को। तो वो रीक्लासीफाई कितने बार होगा, ये आप नंबर ऑफ इटरेशन से डिफाइन कर सकते हैं। वो हर बार रीक्लासीफाई होने में जो है वैल्यू और ज्यादा करेक्ट होते जाती है। तो द चेंज थ्रेशोल्ड इज यूज टू एंड द इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव प्रोसेस को एंड करने के लिए चेंज थ्रेशोल्ड वैल्यू का यूज किया जाता है। और ये एंड कब होता है, व्हेन द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ईच क्लास चेंजेस बाय लेस देन द थ्रेशोल्ड। द क्लासिफिकेशन विल एंड व्हेन ईदर दिस थ्रेशोल्ड इज मेट और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस हैज बीन रीच्ड। तो ये अगर आपने जितने नंबर ऑफ इटरेशंस प्रोवाइड कराए हैं, अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन पे रीच हो गया है डेटा, तब ये इटरेशन बंद हो जाएगी, या फिर अगर ये जो थ्रेशोल्ड डिफाइन किया हुआ है उसको मीट कर जाता है क्लासिफिकेशन का प्रोसेस, तब इटरेशन का स्टेप जो है रुक जाता है। जैसे कि अगर आपने एडास इमेजिन सॉफ्टवेयर का यूज किया होगा क्लासिफिकेशन के लिए, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए, तो आप आपसे दो चीजें पूछी जाती है, नंबर ऑफ क्लासेस और नंबर ऑफ इटरेशंस। तो ये दोनों वही चीजें हैं कि आपको कितने क्लास में डेटा को क्लासिफाई करना है और कितने इटरेशंस रन करने इस डेटा को क्लासिफाई करने के लिए। यहाँ पे एक इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है कि डीएन वैल्यूज को जो है यूज करके, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के मेथड्स का यूज करके डीएन वैल्यूज को जो है हम स्पेक्ट्रल क्लासेस में क्लासिफाई कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी क्लास जो एक तरह के फीचर को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बाद उसको कैटेगराइज कर देते हैं डिफरेंट क्लासेस में। और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको कौन से डिसीजन मेथड का यूज करना है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी छह क्लस्टरिंग मेथड के, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड का यूज करना चाहते हैं, कौन से मेथड से ज्यादा एक्यूरेसी आती है। और क्लासिफिकेशन मेथड जो है यूज करने के बाद जो पिक्सल्स का रैंडम सेलेक्शन होता है क्लस्टर सेंटर बनाने के लिए। क्लस्टर सेंटर क्या होता है, जैसे कि एक इमेज है उसमें आपके पास चार पांच तरह के फीचर है, वेजिटेशन हो गया, रिवर हो गई, बिल्टअप्स हो गए, बैरन लैंड हो गए, ये चार पांच तरह के आपके पास फीचर्स हैं। तो रैंडम सेलेक्शन ऑफ पिक्सल फ्रॉम क्लस्टर सेंटर, तो जो एक तरह के क्लस्टर होते हैं उनमें से पिक्सल सेंटर जो है रैंडमली सेलेक्ट होता है क्लासिफिकेशन के दौरान। सबसे पहला स्टेप यही होता है। उसके बाद एल्गोरिदम क्या करता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स एंड फॉर्म्स इनिशियल एस्टिमेट ऑफ क्लस्टर सेंटर एज परमिटेड बाय यूजर डिफाइंड क्राइटेरिया। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये सेंटर जो है डिफाइन हो गया, उसके बाद जो भी कैंडिडेट पिक्सल बचते हैं उनके साथ में उसको कौन सी क्लास में जाना है, किस क्लस्टर सेंटर के साथ में जाना है और क्लस्टर बनाना है, ये किस बेसिस पे डिफाइन होता है, डिस्टेंस के बेसिस पे डिफाइन होता है। जो पिक्सल के मीन वैल्यूज होते हैं उनकी क्लस्टर सेंटर के साथ में वो कितने डिस्टेंस पे है, तो जो भी सबसे नियरेस्ट वाले डिस्टेंस का होता है वो उस क्लस्टर सेंटर के पास में चला जाता है। और एज पिक्सल्स आर एडेड टू द इनिशियल एस्टिमेट्स, न्यू क्लास मीन्स आर कैलकुलेटेड। जब इनिशियली जो है पिक्सल्स एड हो जाते हैं इनिशियल एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद से फिर नए मीन कैलकुलेट किए जाते हैं,
और फिर से इटरेशन का प्रोसेस रन किया जाता है, और ये इटरेशन का प्रोसेस तब तक रन होते रहता है जब तक कि वो मेन वैल्यू जो है एक इटरेशन से नेक्स्ट इटरेशन ट्रांसफर होने में चेंज ना हो रही हो। और यहाँ पे एक इमेज, यहाँ पे एक नॉर्मल इमेज है, इसका जो है अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो है नेचुरल क्लस्टर्स में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे जो भी डिफरेंट तरह के शेड रिप्रेजेंट हो रहे हैं इमेज में, वो एक तरह के क्लस्टर में जो है कंबाइन होके आ गए हैं। इसके बाद बात करते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग और आईसो डेटा क्लस्टरिंग की। दोनों ही मेथड्स में क्या होता है कि सबसे पहले जो है असाइन हो जाता है फर्स्ट आर्बिट्रेरी इनिशियल क्लस्टर वैल्यू, और सेकेंड स्टेप दोनों में ही होता है कि क्लासिफाइज ईच पिक्सल टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर, हर पिक्सल को क्लासिफाई कर देता है उसके क्लोजेस्ट में जो भी क्लस्टर होगा उसके साथ में। और थर्ड स्टेप में जैसा अभी मैंने बताया था कि न्यू क्लस्टर मीन वेक्टर्स कैलकुलेट किए जाते हैं बेस्ड ऑन ऑल द पिक्सल्स इन वन क्लस्टर। और उसके बाद ये जो सेकेंड और थर्ड स्टेप है ये तब तक रिपीट किया जाता है उसके बाद जब तक कि अंटिल द चेंज बिटवीन द इटरेशन इज स्मॉल। और इस चेंज से क्या मतलब है कि इधर बाई मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द मीन क्लस्टर वेक्टर हैव चेंज्ड फ्रॉम वन इटरेशन टू अनदर, जैसा भी मैंने बताया था वो जो मीन वैल्यू हर दूसरे हर इटरेशन के बाद जो कैलकुलेट की जाती है वो मीन वैल्यू चेंज होना बंद हो जाए तब तक ये इटरेशन चलता रहता है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये तो नॉर्मली दोनों ही मेथड्स में यूज होते हैं, पर आईसो डेटा एल्गोरिदम में क्या अलग होता है, इसमें कुछ फर्दर रिफाइनमेंट होती है बाय स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग ऑफ क्लस्टर्स। स्प्लिटिंग और मर्जिंग में क्या होता है, जैसे कि कोई क्लस्टर है और उसमें जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है वो लेस देन है, कोई एक क्लस्टर है जैसे इमेज के थ्रू अगर समझाया आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये यहाँ पे पांच क्लस्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, पर जो ये ब्लू वाला क्लस्टर है ये काफी स्ट्रेच्ड है। तो इस केस में क्या करता है, जब एक वैल्यू बहुत स्ट्रेच हो रही हो, थ्रेशोल्ड से ज्यादा जा रही हो, तो आईसो डेटा क्लस्टरिंग जो है इसको स्प्लिट करके और भी क्लासेस में क्लासिफाई कर देता है। और आईसो डेटा क्लस्टरिंग ये तो स्प्लिटिंग का काम हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे शियान और ग्रीन वाले क्लस्टर्स जो है इनमें बहुत कम पिक्सल्स है, लेस पिक्सल्स है, बस दो पिक्सल्स आ रहे हैं, तो ऐसे क्लासेस को ये रिमूव कर देता है, और या फिर जो उसके नियरेस्ट में जो क्लस्टर आ रहा हो उसके साथ में असाइन कर देता है, या फिर इन वैल्यूज को जो है अनक्लासिफाइड की तरह मार्क कर देता है आईसो डेटा क्लस्टरिंग। तो सारे स्टेप्स जो रहते हैं आईसो डेटा और के मीन्स क्लस्टरिंग के वो लगभग सेम ही रहते हैं, बस एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट होती है आईसो डेटा क्लस्टरिंग में, ये स्प्लिटिंग और मर्जिंग के स्टेप्स जो होते हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं। ऐसे ही आप के मीन्स क्लस्टरिंग की एक्सप्लेनेशन अगर इमेज के थ्रू देखें तो यहाँ पे इटरेशन पे बेस्ड होता है ये। फर्स्ट इटरेशन में क्या होता है कि एक एक रैंडमली जो है एक एक क्लस्टर का सेंटर असाइन कर दिया जाता है, उसके बाद उसके अदर पिक्सल्स के साथ में कितने डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग में जो है इसके क्लस्टर को डिफाइन किया जाता है। तो ये जो सेंटर असाइन हुआ है ये सेंटर जो है मूव कर जाता है इसके नियरेस्ट में जो पिक्सल्स हैं टू द मीन सेंटर ऑफ द ऑल पिक्सल्स इन द क्लस्टर। उसके बाद यही इटरेशन मीन वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट होती है, सेम इटरेशन को दोबारा रिपीट प्रोसेस में किया जाता है, और nth इटरेशन में जो है सेंटर्स सारे स्टेबलाइज हो गए हैं, और ये जो बचे कुचे छूटे हुए पिक्सल्स रहते हैं ये सारे अनक्लासिफाइड में क्लासिफाई हो जाते हैं। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन किया गया है एक इमेज को फाइव क्लासेस में आईसो डेटा क्लस्टरिंग के बाद, और ये 10 क्लासेस में। तो अब जितने नंबर ऑफ क्लासेस जो है इंक्रीज करते जाएंगे डेटा में जो है वेरिएशन उतना ही कम होते जाएगा। पर ज्यादा क्लासेस रखने में यही है कि आपको उतने नंबर ऑफ फीचर्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, उतने नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ज्यादातर जो है अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन में लोग जो बेसिकली पांच या छह क्लास जो मेजरली क्लास होते हैं बिल्टअप के, वाटर बॉडी के, फॉरेस्ट के, वेजिटेशन के, बैरन लैंड के, यही मेजर क्लासेस जो है नॉर्मल लैंड यूज लैंड कवर क्लासिफिकेशन में रखे जाते हैं। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से आईसो डेटा क्लस्टरिंग और के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सबका इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।